हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज हम लोग जो है एक चैप्टर हम लोग का चल रहा था, पेज नंबर आपका 22 पर है। इसमें हम लोग टेस्ट एरिना का ए बी और सी तीन क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी आपका है, लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, चेंज द ऑर्डर ऑफ द जो नीचे एजेंट दिया गया है उसके आर्डर को आपको चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 4+2 इज इक्वल टू 6 का आर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है फॉर्म बना हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया था और लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है चेंज का आर्डर, आर्डर को आपको चेंज करना है, क्रम को चेंज करना है। आप फाइनली एडेड ये जो नीचे एडेड दिया गया है इसके आर्डर को आपको चेंज करना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि एडेड में आपको आर्डर प्रॉपर्टी बताया गया था। आर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी नंबर को किसी भी आर्डर में आप ऐड कीजिए उसका जो सम आता है बच्चों वो सेम आता है। इसीलिए यहाँ पर आर्डर प्रॉपर्टी जो है फॉलो करते हैं। एडिशन में ये जो एरे है 2 + 4 को 4 के प्लेस पर और 4 को 2 के प्लेस पर कर देंगे, ये आर्डर सेम हो जाएगा लेकिन उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम 4+2 क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ 2+4 इक्वल टू 6। देखिए आपका जो सम है वो चेंज नहीं हो रहा है, केवल हम क्या करते हैं आर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। इसका आर्डर चेंज कर देंगे, क्रम चेंज कर देंगे। आर्डर का मतलब होता है क्रम, इसका क्रम जब हम चेंज कर देंगे बदल देंगे, ठीक है। फर्स्ट के प्लेस पर सेकेंड और सेकेंड के प्लेस पर सम एडेड, तो आपका ये आंसर जो आएगा सेम आएगा, यही आपको तो करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा 4+5 लिखा है, तो जब हम इसका आर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5+4 क्या लिखिए 5+4 इज इक्वल टू क्या है 9। तो हम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अभी आपको बताया जा रहा है कि
ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में एडेड का ऑर्डर चेंज करने से उसका सम जो है परिवर्तित नहीं होता है, उसका सम बदलता नहीं है, सेम वही उसका आंसर आता है। जैसा कि यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 5 4 + 5 था यहाँ हमने 5 + 4 कर दिया, यहाँ 4 + 2 था यहाँ 6 + 2 कर दिया, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम है, ये आपका ध्यान देना है। सेम इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, 8 + 0 क्या लिखा है, 8 + 0 तो 0 को हम 8 के प्लेस पर लिया देंगे और 8 0 के प्लेस पर लिख देंगे तो ये उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्रम बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 0 + 8 = 8 इस तरीके से आप क्रम चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 3 + 4 क्या लिखा हुआ है, 3 + 4 अब हम मैं 3 को 4 के प्लेस पर और 4 को 3 के प्लेस पर रखेंगे तो यह क्या होगा, 4 + 3 = 7 इस तरीके से आप जो है ऑर्डर चेंज करके आइडेंटिटी ऑर्डर चेंज करके इसको इस बात में राइट करना है, जो इस बात कर लेंगे इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है आपके एसक्यू ए में स्टेशनरीना में क्वेश्चन नंबर डी में, इसको आप कब चेक करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है बेटा, यहां पर आपको लिखा गया है 9, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको 9 हो गया बेटा, इस तरीके से आपका ये पता है और यहां पर जो एड्रेस आपको लिखे हैं
यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है थ्री डिफरेंट डिग्री, तीन आपको अलग अलग अंक से मेक बनाना है। आप पांच नंबर इस नंबर को आपको बनाना है, ठीक है। तीन अलग अलग नंबर के सम से इस नंबर को क्या बनाना है, इस नंबर को आपको बनाना है, ठीक है। मतलब सीधा समझिए, तीन ऐसे नंबर आपको लेना है जिसको ऐड करने पर 9 आ जाए, और वो तीनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 9 के लिए मान लीजिए हम पहला नंबर को लें 1 ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नंबर हम 2 लेते हैं, तो तीसरा नंबर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तीसरा नंबर क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ध्यान दीजिए, 1 माइनस 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 3 में आप क्या ऐड करेंगे कि 9 आएगा, 3 में आप 6 ऐड करेंगे, या तो 3 को आप 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि अगला नंबर क्या होगा, 6, ठीक है बेटा। आपको ये समझना है कि ऐसे तीन अलग अलग नंबर लेने हैं जिसको ऐड करने पर आपका ए नंबर आना चाहिए, ऐड करने पर जो सम आएगा वो उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 7 है बच्चे, यहाँ पर तो 7 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2 लिखते हैं, अब क्या अगला नंबर लिखेंगे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 3 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 3 को हम 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो आपका आ जाता है 4, तो 4 ही आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 3 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। तो आप इसका आर्डर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, वन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, आर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना बच्चों कि ये जो तीनों नंबर है ये अलग अलग होने चाहिए, चाहे किसी भी आर्डर में हो इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन इतना आपको ध्यान देना है कि ये जो नंबर है अलग अलग नंबर होने चाहिए, तो ऐड करने पर जो सम आएगा वो नंबर के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे देखते बच्चों, ये जैसे है देखिए यहाँ पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 को लिखा जा सकता है यहाँ पर, देखिए यहाँ हम लेते हैं जो मान लीजिए 2 लेते हैं प्लस 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, और उसके बाद अगला नंबर तो आपका इस तरीके से 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम जो है अलग अलग नंबर आपको लेने हैं, इसको आपको भी ध्यान देना है, तो हम यहाँ अगला नंबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ अगला नंबर लिखने का यहाँ पर यदि हम लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से पहला नंबर हम 0 लेते हैं, फिर उसके बाद 1 लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, 2 लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं। देखिए अलग अलग नंबर है ना, 0 2 और 3, ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। सेम उसी तरीके से आपको लिखना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखते हैं 0 प्लस, ध्यान देंगे आप 3 नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 2 ये ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से 3 नंबर लेकर के ऐसे लेने हैं जिसको ऐड करने पर आपका जो है सब
इवन नंबर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन नंबर ई है। इसी तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें फोर क्वेश्चन हम लोगों ने साल कर लिया और उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें और है पास पास करेंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है उसमें बेटा, राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स टू मेक द सम वन मोर देन सेवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों राइट नंबर, राइट द नंबर इन द बॉक्स इन द बॉक्स टू मेक द सम टू मेक द यहाँ लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर वन देखिए आप, लिखा है थ्री प्लस फोर प्लस यहाँ हाफ बना हुआ है इज इक्वल टू एट और देखें क्वेश्चन लिखे बेटा प्लस थ्री प्लस यहां पर कॉस बना है इक्वल टू के थर्ड क्वेश्चन देखिए यहां पर टू प्लस वन प्लस बॉस बना है इक्वल टू ए और यहां पर है जीरो प्लस फोर प्लस क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए बेटा, लिखा है राइट द मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर के लिए आपको टेस्ट दिया गया है इन द बॉक्स, बॉक्स में आप मिसिंग नंबर चुनते हुए नंबर को लिखेंगे टू मेक द सम, सम मतलब योग सब को बनाने के लिए टू वन मोर देन सेवन, जो सेवन से वन मोर हो जाए। आपको वन मोर करके दे दिया है, सेवन से वन मोर एक होता है, एट आपको इसका सम दे दिया है। केवल आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसमें कौन सा नंबर ऐसा हम मिसिंग नंबर रखे कि ये तीनों को थ्री प्लस फोर प्लस इसमें जो रहेगा उसको ऐड करने पर आपको क्या आ जाए वन मोर देन सेवन अर्थात एट आए। वन मोर देन सेवन को हम क्या कहते हैं एट कहते हैं, मतलब सेवन से वन मोर क्या होता है एट होता है। तो एट आपको यहाँ लिख दिया है, करने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर खोजना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, हम ये दोनों नंबर को पहले ऐड करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होता है थ्री प्लस फोर को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा सेवन। अब उसके बाद सेवन में हम क्या
होगा। अब आप समझ गए होंगे सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए बच्चों फर्स्ट टू आइटम्स आपको दिया गया है, फर्स्ट टू आइटम्स को आप ऐड करेंगे टू प्लस टू प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा आएगा आपका फाइव, टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव। हम फाइव को हम क्या करेंगे एट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एट में से क्या करेंगे बेटा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रहेगा एट माइनस फाइव क्या आ रहा है हमारा सी, एट माइनस फाइव क्या आएगा तो सी आएगा। ए नंबर हम कहाँ फिट करेंगे इसमें सी कर देंगे, यहाँ सी कर देंगे इसको सी। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है टू प्लस वन, तो हम क्या करेंगे यहाँ टू प्लस वन क्या आएगा बेटा टू प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा आपका थ्री, क्या आएगा थ्री, टू प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा ये थ्री आएगा। अब थ्री को क्या करना है ये जो एट है इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको एट माइनस थ्री करेंगे बेटा एट माइनस थ्री को घटा देंगे क्या आएगा आपका फाइव, क्या आएगा जो फाइव, ये जो फाइव आया यही फाइव को इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे ठीक कर देंगे, यहाँ पर फाइव ठीक कर दिए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है यहाँ पर देखेंगे इसको क्वेश्चन देखेंगे उसके यहाँ पर यहाँ लिखा है जीरो प्लस फोर इक्वल टू होता है फोर, फोर को क्या करना है एक में से सब्ट्रैक्ट करना है तो एक में से फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा फोर, ये क्या आया फोर आया तो इस बात में हम क्या भरेंगे तो फोर भर देंगे, ठीक है यहाँ पर आप तरीके से फोर भर देंगे ठीक है ठीक कर देंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एफ में है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों हम लोग होमवर्क लेंगे, पहला क्वेश्चन आप यूज करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आप करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर हम टेन कर रहे हैं आपका टेन आया टेन मोर देन टेन, ठीक है मोर देन टेन नहीं यहाँ पर नाइन, ठीक है यहाँ क्या करेंगे नाइन, ठीक है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेंज होगा लेकिन आप उसको लगाएंगे टू प्लस थ्री प्लस बॉक्स बना है क्या इक्वल टू टेन और यहाँ पर वन प्लस फोर प्लस बॉक्स बना है यहाँ इक्वल टू थ्री और यहाँ पर थ्री प्लस फाइव प्लस वन है इक्वल टू और जीरो प्लस है। पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे बच्चों, उसके बाद एक क्वेश्चन और है आप यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। अभी होमवर्क कितना है
क्वेश्चन नंबर टू नोट करिए। क्वेश्चन नंबर टू में है आपका थ्री डिफरेंस की डिजिट मेक द सम ऑफ फॉलोइंग, मेक द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर, और यहां पर आपको नंबर क्लिक करेंगे क्वेश्चन वन टू थ्री फोर, फोर क्वेश्चन इसमें से जरूर करूंगा आपको। एट हो गया यहां पर इक्वल टू यहां पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर आपको थ्री नंबर आपको यहां पर क्लिक करने हैं, ठीक है। और सेवन यहां पर आपको तीन नंबर क्लिक करना है, और यहां पर फाइव इसी तरीके से नंबर आपको यहां पर क्लिक करने हैं, और यहां पर है क्वेश्चन। आप देख रहे हो बच्चों प्लस के सिंबल में यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना होगा, यहाँ पर आपको बना देना है जिसमें आप नंबर थ्री नंबर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ इस तरह से आपको क्लिक कर देना है नंबर, ठीक है। तो समझने के लिए वो लाइन बताया गया है, नंबर आप यहाँ क्लिक करके कंप्लीट करेंगे बच्चों, आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों यहाँ पर मेंटल मैथ एक्टिविटी है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 10। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।